What's up everybody and welcome to Autogrip. हमारे मुल्क में जिस तरह इन्फ्लेशन के रेट हाई इतने ज़्यादा हाई हो रहे हैं और हर चीज़ के जो है महंगाई बढ़ती जा रही है हर चीज़ के रेट बढ़े तो फ्यूल में हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि एक तो फ्यूल के रेट हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ गए इसके अलावा हमारे जो पंप वगैरह के ओनर जो होते हैं वो फ्यूल में स्कैम करते हैं और फ्यूल का पिकम डाल देते हैं और चोरी करते हैं उसके अलावा हमारे साथ जो रोड वगैरह जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो रोड इतने बुरे हैं कि हमारे गड्ढों में थोड़ा सा रोड होता है जिसमें हम गाड़ी प्रॉपर्ली ड्राइव कर सकते हैं और उसका नुकसान यो है कि गाड़ी पर एक तो मेटेनेस कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि गड्ढे में गाड़ी जाती है तो हर चीज़ पर असर पड़ता है इसके अलावा हमें ट्रैफिक जो हाल है हमारे मुल्क में उसकी वजह से भी हमारे फील्ड पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है तो इस वीडियो में काफ़ी सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसको देखते हुए कि आप अपनी गाड़ी का फील्ड जो है वो सेव कर सकते हैं तो एक वन बाय वन कवर करते हैं तो सबसे तो पहले जो है हमारे पास टॉपिक वो है एक्सोलेशन गाड़ी की एक्सोलेशन आप जानते हैं कि हमारे पास जो आर मीटर दिया गया होता है ये हमारे इंजन के रेवोलूशन ये राउंड पर मिनट होता है तो जितना ज्यादा आपके आर ऊपर जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके इंजन पावर लगाएगा और उतना ही ज़्यादा आपका फ्यूल कंज्यूम होगा तो बेहतर है कि जिस तरह ऑटोमेटिक कार जो होती है वो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड टू ट्वेंटी एट हंड्रेड के दरमियान जो है गयर शिफ्ट कर देती हैं आई थिंक ट्वेंटी सेवन हंड्रेड टू ट्वेंटी एट हंड्रेड के दरमियान गेयर शिफ्ट होता है बट अगर आप ट्वेंटी फाइव हंड्रेड टू ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड पर गयर शिफ्ट करते हैं गेयर ऊपर लेके जाते हैं तो जाहिर सी बात है उससे आपका फ्यूल जो है वो कम कंज्यूम होता है तो ये किए तरीका था इसके अलावा इसके बाद सेकंड मेथड है हमारे पास हाई स्पीड ड्राइविंग को अवॉइड करना फॉर एग्जांपल जाहिर सी बात है जब आप गाड़ी एक रश ड्राइविंग करेंगे आप तेज़ स्पीड में गाड़ी ड्राइव करेंगे तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप फोर्थ गेयर में आप फोर्थ थाउजेंड आर पी एम पे हंड्रेड की स्पीड पर होते हैं और फिथ गियर में आप जाते हैं तो आप, आपका आर पी एम जो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड पा जाता है बट स्पीड ऊपर जाने में देर लगती है तो इसकी वजह से आपका जितना ज़्यादा आर पी एम ऊपर होगा जितना लोअर लोअर गियर होगा तो आपका फ्यूल जो उतने ज़्यादा कंज्यूम कर रहा होता है क्योंकि उतना ज़्यादा एक्सेटर दबा रहा दबाया जा रहा जा रहा होता है इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका है वो है कि अक्सर लोग इस पर डिसग्री भी करते हैं वो ये है कि हमारे पास जो रूट होता है वह पहले से डिसाइड करने के हमने किस रूट से कहाँ जाना है फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो रूट हैं एक रूट जो है हमारे पास वो है फाइव किलोमीटर लॉन्ग दूसरा जो है वो टेन एट किलोमीटर लॉन्ग है बट फाइव किलोमीटर लॉन्ग में हमें पता है कि वहाँ पर ट्रैफिक भी है वहाँ पे रोड भी ख़राब है जबकि एट किलोमीटर एट किलोमीटर वाले में हमें पता है कि वहाँ पर ट्रैफिक भी इतना नहीं होता और वहाँ पे गड्ढे भी नहीं है तो जाहिर सी बात है आपकी गाड़ी हायर गेयर में चली होगी और एक स्मूथ ड्राइव पे आपके फ्यूल सेव हो रहा होगा तो ऐसे रोड जरूर सेलेक्ट करें जिसमें आपके जिसमें आपके जो है फ्यूल जो है वो कम जाए हो और आप ट्रैफिक में कम से कम पसें और आपकी गाड़ी जो है गड्ढे वगैरह से बचती बचती रहे इसके बाद एक और तरीका है जो कि आपकी गाड़ी का फ्यूल टैंक जो है वो हाफ पे रखें अब सॉरी यहाँ पे मेरा फ्यूल जो है वो आपको ई पर नजर आ रहा होगा एक्चुअली फ्यूल ही ख़त्म हो गया था मैंने बॉटल से ले लेकर डाला था तो फ्यूल टैंक हाफ़ टैंक पर रखने का मकसद ये है कि जब आप फ्यूल टैंक को हाफ पे रखेंगे तो आपको पंप जाने की जो है नौबत कम आएगी फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल इस टाइम मैं आप यहाँ पर एक हज़ार का फ्यूल डलवाता हूँ तो ये हफ्ते भी बल्कि बहुत कम आएगा फ्यूल्स में और एक ट्रिप के बाद मुझे दोबारा फिर पंप पेट्रोल पंप पे जाना पड़ेगा तो इससे ये होता है कि पेट्रोल पम्प जितनी गाड़ी खड़ी रहती है तो एक फ्यूल का आपको उसमें टाइम ज़ाया होता है तो आपकी टाइम सेविंग भी है और एक तरीके से कॉस्ट सेविंग भी है इसके बाद यूजिंग ऑफ हायर गेयर्ड्स तो हमारे पास फाइव गेयर्स होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव तो जितने ज़्यादा आप हायर गियर यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा आपके आर जो है जिस तरह पहली वीडियो में बताया था उतने ज़्यादा आपके आर जो है वो नीचे आते रहेंगे फॉर एग्जाम्पल जब आप गाड़ी को एक्सलेट करते हैं तो वन थाउजेंड जैसे आप फर्स्ट गियर पर आप गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं तो आपका आर जो है वन थाउजेंड अबव होता है तो इसके साथ है जिस तरह आपका आर पी एम गेयर वन से लेकर सेकेंड पर जाता है आपका आर पी एम पर फ़र्क आता है इसके अलावा जिस तरह आप गाड़ी को थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ में लेके जाएंगे तो ज्यादा से ज़्यादा फिफ्थ गेयर में आके गाड़ी के इंजन को एक सुकून से चल रही होती है और उसमें आर पी एम जो है हमारे लो होते हैं बजाय इसके कि फॉर एक्ज़ाम्पल नाइनटी की स्पीड पर अगर आपका आर पी एम फिफ्थ गेर पर अगर ट्वेंटी फाइव हंड्रेड पे तो अगर आप उसको तो फोर्थ गेयर में फोर्थ में शिफ्ट कर देंगे तो वो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड से फोर थाउजेंडे चला जाएगा फोर थाउज़ेंड पर जाने का मतलब ये है कि वो ज़्यादा फीड कंज्यूम कर रहा है तो हायर गेर्यर्स पर गाड़ी को चलाने से एक फ़ायदा ही है बट इतना भी हाई नहीं कर देगा कि आपकी गाड़ी जो मिसिंग करना शुरू कर दे या वे बेचाना जाए उसमें इसके बाद हमारे पास एक वैक्यूम गेयर्स का है वैक्यूम कनेक्शन का सॉरी तो इस तरह पहले एक वीडियो में मैंने बनाई थी सुधी कल्टस के वैक्यूम कनेक्शन के बारे में अगर आप वो देखना चाहते हो तो उसके लिंक भी मैं नीचे लगा दूंगा उसके अलावा आप वीडियो में जाके भी वो देख सकते हैं तो वैक्यूम कनेक्शन का फायदा ये कि आपके जितने भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक चल रही होती हैं चाहे वो आपका ए चल रहा हो चाहे वो आपके हेडलाइट है जैसे ही आप हेडलाइट ऑन करते हैं आपका आर नीचे आ जाता है ए ऑन करते हैं आपका आर नीचे आ जाता है तो वैक्यूम कनेक्शन अगर प्रॉपरली लगे होंगे तो आपकी कार्बोरेटर वाली गाड़ियों को आपको वैक्यूम सही मिल रहा होगा और आपके आर जो है वो स्टेबल रहेंगे तो आपकी गाड़ी में वाइब्रेशन नहीं होगी और गाड़ी लैग नहीं करेगी जिससे आपकी फील्ड पर फर्क पड़ेगा इसके बाद एक और चीज़ आती है हमारे पास वो है प्लग वायर्स अब स्पार्क प्लग की बात नहीं हो रही स्पार्क प्लग वायर्स की या प्लग केबल्स की बात हो रही है तो जितने थर्ड क्लास क्वालिटी का प्लग इस्तेमाल करेंगे जिस तरह मैंने आपको पुरानी वीडियो में दिखाया था येलो कलर के जो प्लग वायर्स आते हैं ऑरेंज कलर में वो बिल्कुल थर्ड क्लास क्वालिटी के होते हैं क्योंकि वो करंट प्रॉपर सप्ल... नहीं सप्लाई करते और करंट प्रॉपर सप्लाई ना होने की वजह से आपकी गाड़ी जो है एक तो कम करंट ले रही होती है जिसकी वजह से आपका इंजन जो है प्रॉपर्ली काम नहीं करता और इंजन प्रॉपर्ली काम नहीं करने का मतलब है कि जब हल्की सी इंजन में मिसिंग आती है और उस मिसिंग को कवर अप करने के लिए आप जो है वो एक्सीटर को दबाते हैं और आप उसकी वजह से आपका फील ज़्यादा ज़ाया होता है इसके अलावा टायर प्रेशर एंड टायर साइज़ अब देखें टायर प्रेशर का तो हर कोई ख्याल रखता है बट टायर साइज़ का मैंने काफ़ी सारी गाड़ियों में देखा है कि टायर का साइज़ जो है वो गलत इस्तेमाल किया जाता है तो ख़ासतौर पर सुजुकी की कल्ट में जो है वन सेवेंटी फाइव सेवेंटी बाई थर्टीन का टायर इस्तेमाल किया जाता है लोगों की तरफ से क्योंकि समझते हैं ग्रफ्फ आर अच्छी है एक्साद बट जो 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 इंजीनियर्स की तरफ से जो ओ एम टायर साइज है वो है वन फिफ्टी फाइव एटी बाई आठ थर्टीन जो कि मैं खुद भी यूज़ कर चुका हूँ और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है ब्रेकिंग में भी और फ्यूल कंजम्पशन में क्योंकि गाड़ी में जितना बड़ा आप टायर लगा देंगे इंजन को उतना ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जान लगाने में फॉर एग्जाम्पल ये सामने एक खड़ी हुई जिसका टायर जो है फोटी इंच का है ये फोटी इंच का टायर अगर आप कल्टस में लगा दें अगर ये लग जाता है तो कल्टस के इंजन को ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी क्योंकि उसका उसके लिए जो सूटबल टायर साइज है वो है थर्टीन इंच तो धारती बात है एक इंच से हमारे लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बट वो एक इंच जो है वो हंड्रेड की स्पीड से जब आप घुमाएँगे एक इंजन घुमाएंगे उधरती बात है उसके इंजन को इतनी पावर चाहिए कि एक बड़ा टायर से वो घुमाए और छोटे टायर से फायदा ये होगा कि अगर नुकसान ही नुकसान ये होगा कि छोटे टायर लगाने से एक तो आपका इंजन थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म तो करेगा लेकिन आपकी ब्रेकिंग वगैरह में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी आपकी गाड़ी स्लिप होना शुरू हो सकती है इसके बाद एक और चीज़ है वो है अपनी गाड़ी के एरोडायनिक्स पर जरूर ख्याल रखें फॉर एग्जांपल सामने जो आपको गाड़ी दिख रही है देखिए गाड़ी जो है एरोडायनिक्स के ऊपर बेस करती हैं अब कल्टस या इस तरह की जितनी भी गाड़ियाँ जैसे मेहरान खड़ी है सामने सॉरी थोड़ी गंदी हालत में तो जैसे ही इसमें एयर पास होती है तो इसके जो फेंडर से लेके यहाँ से एयर प्रेशर आता है उसको क्रॉस करता हुआ उसको कट करता हुआ यहाँ से पास हो जाता है जिसको एरोडामिक्स कहते हैं अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक आप बार लगा दें स्ट्रेट करके और जब उस पर हवा पड़ेगी तो ज़ाहिर सी बात है हवा का प्रेशर जो है उस बार के ऊपर आएगा और उस बार का वो बार जो आपकी बॉडी से कनेक्ट होगा तो आपके इंजन को ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी उस हवा को काटने के लिए तो आपका आर पी एम ऊपर जाता है और इस तरह आपका फ्यूल जो है वो ज़्यादा ज़ाया होता है तो कभी भी ऐसी चीज़ ना लगाएं जिससे आपकी गाड़ी के एड्रॉनिक्स पर असर पड़ता हो इसके बाद एक और चीज़ पर हम आते हैं वो है लेस वेट या गाड़ी को ओवरलोड करने से महफूज रखना फॉर एग्जांपल लोग मैंने अक्सर देखा है कि काफ़ी लोग मेरी फैमिली में भी यहाँ पे ये होता है कि गाड़ी में पाँच लोगों की कैपेसिटी होती है जबकि एक्चुअली एक गाड़ी में चार लोगों की कैपेसिटी है फॉर एग्जांपल आपको पीछे दिखाता हूँ सॉरी यहाँ पे अंधेरा वगैरह कोई दादी तो सेविक में एक आमड़ेस की जगह दी जाती है जबकि सेविक जो है चार लोगों के लिए बनाई बनाई गई है बट हम जानते हैं कि हम जितने भी लोग होते हैं चाचा मामा ताया पप्पो वगैरह हम उनको गाड़ी में बैठा लेते हैं कि उनका दिल ख़राब ना हो दिल ना टूटे जैसे जबकि उससे फर्क ही होता है कि आपकी गाड़ी के पूरे सस्पेंशन के साथ साथ आपकी गाड़ी के फ्यूल पर भी असर पड़ता है क्योंकि गाड़ी में जितना ज़्यादा लोड होता है सी बात है आपकी गाड़ी का जो लोड है वो इंजन से कनेक्ट होता है इंजन को ही वो लोड आगे बढ़ाना है तो इसकी वजह से फ्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है अब कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि गाड़ी के ट्रंक में डिग्गी में फजूल का सामान भी डाल देते हैं अपने घर का फालतू सामान है वो भी उन्होंने रखा हुआ है तो उसकी वजह से आपकी गाड़ी के इंजन पर असर पड़ता है इंजन को ज़्यादा जान लगानी पड़ती है क्योंकि जितना ज़्यादा लोड होगा उतना इंजन जान लगाएगा इसके बाद एयर फिल्टर है। एयर फिल्टर देखें लोग अक्सर यहाँ पे समझते हैं कि ऑयल चेंज करने के साथ ही एयर फ़िल्टर को चेंज करा जाए जबकि एयर फिल्टर जो है मेरे लिहाज से फॉर एग्जाम्पल अभी सामने आपको गाड़ी में मिट्टी नज़र आ रही होगी तो फॉर एग्जांपल कुछ माहौल कुछ एरिया ऐसे हैं जैसे कराची वगैरह में अगर आप रहते हैं तो उसमें कितने मिट्टी है यह आप अच्छी तरह के साथ जानते हैं तो मिट्टी से आपके एयर फिल्टर जो जैम होता है एयर फिल्टर जो है ब्लॉक होने की वजह से आपके कार्बोरेटर में या आपके जो भी ए सिस्टम टोटल में आपको सही से एयर प्रोवाइड नहीं होती और एयर प्रोवाइड ना होने की वजह से आपकी गाड़ी का आर डाउन होते हैं फिर रेस देंगे और आर बढ़ाने के चक्कर में आपका फिर से फ्यूज आया होगा तो जिस डिपेंड करते हैं कि आप कहाँ पे रहते हैं फॉर आप कोई अच्छे एरिया में रहते हैं इस्लामाबाद वाला में जहाँ पे मिट्टी का कम है मिट्टी कम होती है तो आप वहाँ पे कम से कम साल में दो दफ़ा या तीन दफ़ा एयर फिल्टर चेंज करें जबकि पाकिस्तान कराची में रहते हुए मैं कम से कम हर तीन महीने बाद एयर फिल्टर चेंज करता हूँ जो कि आप अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें इसके बाद हम आते हैं आपकी गाड़ी अगर ई है तो कैटलिक कन्वर्टर्स और मैप सेंसर मैप सेंसर वगैरह को इसकी रीडिंग का ख्याल रखें वो ज़्यादा गंदे ना हो ऑक्सीजन सेंसर गंदा ना हो और आपके किटालिक कन्वर्टर जो है जिन गाड़ी में आता है जैसे पासो वगैरह में भी आता है विट्स वगैरह में आता है और या जपनीज़ गाड़ी में आता है तो उनको साफ़ करते रहा करें ताकि उसके अंदर से कार्बन साफ़ हो और आपका जो एक फ़्लो हो आपके एग्जॉस्ट का वो क्लीन बगा रुके बाहर निकलता रहे जिससे आपकी गाड़ी का जो है ड्राइवर स्मूथ रहे और स्मूथ होने का मतलब है कि आपके फ्यूल एवरेज बिल्कुल परफेक्ट रहेगा इसके बाद आता है स्टॉप एंड गो कंडीशन स्टॉप एंड गो कंडीशन वो कंडीशन होती है कि फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हैं अब आपको पता है कि आप सिग्नल पर रुके हैं मेरी गाड़ी में आगे थोड़ा सा गैप है ये गाड़ी जरा सी एक दो इंच आगे बढ़ती है तो ये लोग ये करते हैं कि अक्सर गाड़ी को आगे चलाना शुरू कर देते हैं कि उससे बंपर से चिप करें ताकि वो पीछे हो जरा सा गलती से तो वो टकरा जाए तो ये गलतियाँ ना करें क्योंकि एक तो इससे रिस्क भी है और दूसरा इससे प्रॉब्लम ये कि गाड़ी स्टॉप एंड गो में आपको पता है कि पहले गियर में आप गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे तो चौथे गियर में तीसरे गियर में नहीं बढ़ा सकते तो पहले गियर जो है ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल करता है तो थो, थोड़ी देर वेट कर लें आप एक दो मिनट या एक आध मिनट से पीछे रहने का कोई मसला नहीं होता पीछे वाला हॉर्न देता है तो उसको देने दायक करें क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि स्टॉप एंड गो से आपके इंजन पर भी नुकसान होता है क्योंकि इंजन एक जान लगाता है फिर रुक जाता है फिर जान लगाता है फिर रुक जाता है और इससे आपका फ्यूल एवरेज जो है वो ज़ाया होता है बार बार इसके बाद एक और चीज़ है वो है कीप योर आर पी एम जो कि बार बार एक ही पॉइंट पे मैं बार बार ये चीज़ जोड़ दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि देखें जितने ज़्यादा आर होता है ना और फॉर एग्जाम्पल यहाँ सेवन थाउजेंड आपको पी एम यहाँ पर रेड लाइन भी नजर आ रही होगी तो जितना ज़्यादा आर ऊपर जाता है उससे सिर्फ फ्यूल पर असर नहीं पड़ता उसके साथ आपका हीट टेम्परेचर पर भी असर पड़ता है आप अक्सर अगर आप नोट करें आप एसी पे गाड़ी ड्राइव करें और आरपीएम एक गियर पे आप स्ट्रक कर दें फॉर एग्जांपल थर्ड गियर पे आप स्ट्रक कर दें उसको तो तो चलाते रहें हैं जब आप आपका आर पी एम फोर थाउजेंड ऊपर तो जाना शुरू होगा आप देखिएगा आपकी गाड़ी जो हीट अप होना शुरू हो जाएगी थोड़ी देर बाद तो इससे आपकी गाड़ी के रेडिएटर पर आपके इंजन को आपके ब्लॉक को आपके हर हर चीज़ पर इससे नेगेटिव असर पड़ता है तो जितना ज़्यादा आप आर कम रखेंगे और आरपीएम पी एम इतना ज़्यादा कम मत रखी क्या फॉर एग्जांपल एक गाड़ी का स्मूथ गेर शिफ्ट जो है वो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड टू ट्वेंटी सेवन हंड्रेड के आर पी एम के दरमियान होता है फॉर एग्जांपल इस टू के बाद जो लाइन दिख रही है इसके आस पास अगर आप वही गयर शिफ्ट वन थाउजेंड फिफ्टी हंड्रेड पर कर देंगे तो सी बात आपकी गाड़ी मिसिंग करेगी जिससे आपके डिस्ट्रीब्यूटर पर असर पड़ता है और आपकी गाड़ी की चीजें हिलना शुरू हो जाएंगी तो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड टू ट्वेंटी सेवन हंड्रेड के दरमिया जो है गेर शिफ्ट कर दें क्योंकि ऑटोमेटिक कार्स आप देखते हैं कि ट्वेंटी एट हंड्रेड ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट के दरिया ही गेर शिफ्ट करती हैं और एक और पॉइंट वही है कि जिससे हो सकता है आप डिसग्री भी करें बट हमारे जो बाहर मुल्कों के प्रोफेशनल मैकेनिक्स हैं या अगर आप इंटरनेट पे पढ़ें इसके बारे में तो वो चीज़ आपको सही लगेगी वो है हमारे जो विंडोज़ हैं उसको ऊपर करके चलाना फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी अगर सिक्सटी से अबव अब जाती है आपको पता है कि एक सिंगल फ्री कॉरिडोर है और वहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती फॉर uh, एग्जाम्पल हमारा ए सी सही है और सिक्स से ऊपर गाड़ी जा रही है आपको पता है कि छः किलोमीटर दस किलोमीटर तक की है हमें स्पीड कम नहीं होगी हम स्मूथली जा रहे हैं तो हम अब शीशे को जो है वो पूरा ऊपर करके चलाएँ इस इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है जब एरोडाइनिक्स की वजह से आपकी जो एयर जो है इस तरफ से आ रही होगी तो आपके शीशे से जब वो अंदर जाएगी तो इसकी वजह से एरोडाइनिक्स पर असर पड़ता है आपके एयर फ्लो की वजह से जो है आपका एवरेज पर असर पड़ना शुरू हो जाता है तो जब शीशे बंद होंगे तो जाहिर सी बात है एयर यहाँ से भी क्रॉस हो जाएगी यहाँ से भी डायरेक्टली स्ट्रेट वेवे क्रॉस हो जाएगी तो आपके एयर डायरेक्ट जो परफेक्टली अपना काम कर करेंगे आपके फ्यूल सेविंग में तो अभी डिपेंड करता है फॉर एग्जांपल आप 20 पे गाड़ी चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है एयर प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता तो आप शीशे खोल के गाड़ी चला सकते हैं बट सिक्सटी से ऊपर आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं सिक्सटी सेवेंटी एटी एस से वही ऊपर या हाईवे पर आप ड्राइव करें शीशा खोल के नहीं शीशा बंद करके ड्राइव करके ए सी सन कर लें क्योंकि ए सी बार बार ट्रिप होते होते रहता है आपके फूल वहाँ पे सेव होता है और जब आप शीशा बंद कर लेंगे तो जाहिर सी बात है एसी की कूलिंग अंदर रहेगी और एसी ट्रिप होता रहेगा जिससे आपका फ्यूल सेव होता रहेगा बजाय इसके कि आप शीशा खोल के गाड़ी ड्राइव करें हाई स्पीड पे उससे आपका जो है वो फ्यूल ज़ाया होता है तो ये भी तरीके थे इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं जो कि इंशाल्लाह आगे वीडियो में आपसे डिस्कस ज़रूर करूंगा तो इस तरह से अपने फ्यूल को जो एवरेज को है आप एक तरीके से मेंटेन कर सकते हैं वो आपके जेब पे भारी नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो जिस तरह की गवर्नमेंट जो है वो हमारा क्या हाल कर रही है तो ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होता है गवी थम्दक एंड कंसिड प्राइम माई चैनल तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में